होशंगाबाद जिले के समस्त संविदा कर्मचारियों ने एक दिवसीय पीपल चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके पश्चात कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संविदा अधिकारी कर्मचारियों अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार की गलत नीतियों के विरोध में ज्ञापन देकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के समय वचन पत्र में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमितीकरण को वादा किया था। गजेंद्र राजपूत MP यूज़ कास्ट होशंगाबाद। किया गया ना ही नियमित कर्मचारियों के विरुद्ध हमें 90% देना था, वो भी हमें नहीं दिया गया, बल्कि एक नया आदेश जरूर आदेश जारी हो रहे हैं सभी विभागों में कि इनके स्वतः 31 मार्च के बाद संविदा समाप्त मानी जावे, एक लाइन में संविदा समाप्त करी जाए। इसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर शिवान प्रसाद को इसमें मनरेगा से भी यही मनरेगा और एनआरएलएम दो में इसमें आदेश निकाले गए हैं। वर्तमान में नए हमारी APR आई है जिसमें ये कहा गया है कि आप 31 मार्च जैसे ही होता है उसके बाद आपको काम करना है कि नहीं करना है, अधिकार से रिपे डिसाइड होगा उस पर, इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। उसमें संविदा के बारे में आपको ये नहीं कहा गया कि कोई सिक्योरिटी है, आपको एक लाइन का SCN दिया जाएगा उसके बाद आपकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। इसके विरोध में भी हम यहाँ पर अभी हमारे जो पहले हमारी प्राथमिकता है कि ज्ञापन दे के हम सरकार से एक बार हम अपनी मांग के लिए विचार के लिए कहें और इसके बाद भी हमारा नहीं होता है तो हम नेक्स्ट मंथ में हम इसके लिए धरने पर बैठेंगे सभी जिलों वाले।